दोस्तों, अगर आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बच्चे अल्लाह की रहमत होते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। दोस्तों, माँ बाप होने के नाते इंसान का पहला फर्ज होता है कि बच्चों के अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए, क्योंकि अच्छे नाम का प्रभाव बच्चों के ऊपर जरूर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया के ऐसे प्रसिद्ध मुस्लिम बॉयज नेम जिनका माने तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन ये नाम वाले दुनिया में बहुत फेमस और लोकप्रिय हुए हैं तथा ये नाम वाले काफी महान व्यक्ति बने हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बेस्ट मुस्लिम बॉयज नेम, और इस लिस्ट में नंबर वन पे आता है मोहम्मद। दोस्तों, यह नाम दुनिया का सबसे बेहतरीन नाम है तथा दुनिया का सबसे फेमस नाम है। इसका मतलब होता है जिसकी तारीफ सबसे अधिक की गई हो। यह नाम दोस्तों हमारे नबी पाक का नाम है। नंबर दो पे आता है अहमद। दोस्तों, यह नाम भी हमारे नबी का ही नाम है और इस नाम का मतलब भी यही होता है जिसकी तारीफ बहुत की गई हो, बहुत ईमानदार। इस लिस्ट में नंबर थ्री पे आता है अली। यह नाम भी बहुत फेमस है। इसका मतलब होता है बुलंद, ऊंचा। दोस्तों, यह नाम हमारे नबी के चाचा जात भाई का नाम था जो इनके दामाद भी थे। नंबर चार पे आता है हसन। यह नाम हमारे नबी के बड़े नवासे का नाम है तथा इसका मतलब होता है खूबसूरत, नेक और बेहतरीन। नंबर फिफ्थ पे आता है दोस्तों हुसैन। यह नाम भी बहुत अच्छा नाम है तथा यह नाम नबी पाक के छोटे नवासे का नाम था। इस नाम का मतलब है दोस्तों नेक, हसीन और खूबसूरत। अगला नाम आता है दोस्तों हमजा। यह नाम भी बहुत अच्छा नाम है तथा इसका मतलब होता है बहुत बहादुर इंसान। दोस्तों, यह नाम हमारे नबी के चाचा का नाम था। इसके बाद नंबर आता है अबू बकर। इस नाम का मतलब होता है दोस्तों अजीमुशान, शानदार। दोस्तों, यह नाम नबी पाक के सबसे प्यारे साहबा का नाम है जो इस्लाम के प्रथम खलीफा भी हुए। अगला नाम आता है दोस्तों उमर। उमर का मतलब होता है जिंदगी, मुद्दत। दोस्तों, यह नाम इस्लाम के दूसरे खलीफा का नाम था तथा इस नाम में इतना दम है दोस्तों कि पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में मोहम्मद के बाद यही नाम सबसे लोकप्रिय है। अगला नाम आता है खालिद। दोस्तों, खालिद नाम भी बहुत प्रसिद्ध नाम है। इसका मतलब होता है कभी खत्म न होने वाला, अमर। दोस्तों, यह नाम हमारे नबी के सबसे बहादुर सहाबी का नाम है। इसके बाद नंबर आता है अकबर। इस नाम का मतलब होता है बहुत बड़ा। अकबर के बाद देखते हैं हैदर। इस नाम का मतलब होता है दोस्तों लायन, बहादुर, शेर। अगला नाम आता है आयान। यह नाम दोस्तों बहुत प्यारा नाम है। इसका मतलब होता है अल्लाह का तोहफा। अब हम देखते हैं दोस्तों अब्दुल्लाह। इस नाम का मतलब है अल्लाह का गुलाम। दोस्तों, यह नाम हमारे नबी पाक के अब्बू का नाम था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अहद। इस नाम का मतलब होता है दोस्तों बेजोड़, अकेला। यह नाम भी बहुत अच्छा नाम है। अगला नाम आता है फहद, और फहद का मतलब होता है चीता, बहुत तेज। इसके बाद देखेंगे दोस्तों मुस्लिम। मुस्लिम नाम दोस्तों अपने आप में एक विशाल नाम है। इसका मतलब होता है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। मुस्लिम के बाद नंबर आता है दोस्तों इस्लाम, और यह नाम भी दोस्तों बहुत प्यारा नाम है। इसका मतलब है शांति, बहुत सुरक्षित। इसके बाद देखेंगे अजहर, और इस नाम का मतलब होता है फूल। अगला नाम आता है दोस्तों दानियाल। इसका मतलब होता है बहुत तेज इंसान, बहुत प्रसिद्ध। यह नाम दोस्तों पैगंबर का नाम रहा है। इसके बाद देखते हैं सरफराज, और इस नाम का मतलब होता है किंग, राजा। अब हम देखेंगे अब्बास। इस नाम का मतलब होता है दोस्तों लायन। यह नाम भी बहुत अच्छा नाम है। इसके बाद देखेंगे शहजाद, और इस नाम का मतलब होता है राजकुमार। इसके बाद देखते हैं सुबहान। बहुत प्यारा सा नाम है दोस्तों, जिसका मतलब होता है सारी बुराइयों से पाक। यह नाम तो दोस्तों बोलने से भी सवाब लिखाता है। अगला नाम आता है यासीन। यह कुरान पाक का एक सूरा है और हमारे नबी पाक के नामों में से एक नाम है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों अनवर। इस नाम का मतलब होता है लाइट, प्रकाश, उजाला। यह नाम भी बेहतरीन नाम है। अगला नाम आता है अब्दुल। दोस्तों, इस्लामिक वर्ल्ड में यह नाम भी बहुत फेमस है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, अल्लाह का बंदा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मोमिन। इस नाम का मतलब है अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला। इसके बाद देखते हैं मुकद्दस। इस नाम का मतलब है दोस्तों बहुत साफ सुथरा, पाक। आखिरी नाम देखेंगे दोस्तों सुल्तान। दोस्तों, बहुत ही कमाल का यह नाम है। मीनिंग तो लगभग सभी को मालूम है। सुल्तान का मतलब होता है राजा, शासन करने वाला। दोस्तों, यह था कुछ मुस्लिम बच्चों के नाम जिनका असर बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं, तथा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।